गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मंदर मनी। अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और सारा प्लान प्रोग्राम का चौपट हो चुका है। कल रात को सोने से पहले सोचा था कि आज सुबह 5 बजे उठ करके बीच पे जाएंगे, वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे से। और अभी जब नींद खुली तो एकदम से घड़ी में 9:30 बज रहा है, मतलब धूप एकदम कड़कदार निकल चुकी है। वैसे थैंक गॉड कि आज यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से तो इतनी बारिश, कल जब मैं घर से निकली थी ना तभी भी बहुत ज़्यादा भयानक बारिश हो रही थी। तो एटलीस्ट आज हम जितने भी टाइम के लिए अभी है यहाँ पर, थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये कब से आवाज़ लगा रही हूँ इसको, उसको कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा है। बाकी तो सारे मुझे सोए हुए नज़र आ रहे हैं। कल रात को जो पार्टी था वो ऑलमोस्ट 2 बजे जैसा चला होगा, तो मुझे पता भी नहीं है सब पार्टी ख़त्म कब हुआ, सब कब आकर के सोए। और अभी भी मुझे रिजॉर्ट में ना सिर्फ वर्कर्स के अलावा कोई गेस्ट तो कोई दिख नहीं रहा था, सारे के सारे सोए पड़े हैं। चाय का बंदोबस्त किया जाए, वरना तो नींद भी अच्छे से नहीं खुलेगी। चाय नहीं मिला तो अभी फ़ोन किया है पर नहीं उठा रहे। चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, चाय पी के आते हैं। चाय के लिए सुबह से इतनी बार फ़ोन किया ना, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और भूख भी लग रहा है, तो सोचा कि नीचे जाकर के एकदम से चाय और नाश्ता एक साथ ही करके चले आते हैं। और मौसम तो आज बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्रेश लग रहा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली है, यही मुझे अच्छा लगता है। मुझे ना बारिश देखने से ही दिमाग गर्म हो जाता है। बड़ी मुश्किल से सबको उठाया है, अभी भी सबका लेजीनेस जा ही नहीं रहा है। और मुझे है कि सुबह सुबह उठते ही जब तक चाय ना मिले ना कुछ मज़ा नहीं आता। सुबह सब पूल में डुबकी मार रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस का भी लास्ट डे है ना, तो सारे के सारे आज ही शायद चले जाएंगे। चलो बातें बहुत हो गई, अब सीधा खाने की तरफ चला जाए। सनग्लास मैंने छेप लिया है यहाँ से, बहुत अच्छा अच्छा। मतलब कल मैं लेट आई थी ना, तो कॉन्फ्रेंस में मेरा कोई काम नहीं था, तो आज भी वाइंड अप हो रहा है तो वहाँ पर जाकर के मैंने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस चूज़ कर लिए हैं। और अभी चलते हैं पूल की तरफ, चलते हैं थोड़ा। मम्मी ने तो बहुत सारा सनग्लास लिया, उसमें से ये भी इंक्लूड है, पर मम्मी ने एक भी मेरे लिए लिया। मम्मी बोल रही है कि मेरे पास बहुत है, देखते घर जाके है कि नहीं। अभी हम लोग पूल में जाएंगे और पार्टी करेंगे पूल में। निहाय नखरा तेरा नी हाई तेरे गबरू मारे, हनी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। निहाय नखरा लक दे हुलारी तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई, अखा ना तू सवाल कर गई। हाँ हाँ
दादा, ओए दादा। पूल पार्टी हो गया और इतना लाउड म्यूजिक बजा रहे ना वहाँ पर, अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाई। एनीवेज अब चेकआउट का टाइम हो गया है, फटाफट रेडी होना है, चेकआउट करना है और उसके बाद वापस घर जाना है। मिष्टी स्कूल गई है आज सुबह से, मैंने उसे फ़ोन करने का मतलब मैं सो गई थी तो फ़ोन भी नहीं किया उसको। चलते हैं, पहले नहा वहा करके रेडी हो जाती हूँ मैं फटाफट। सो नाउ इट्स चेकआउट टाइम, अब यहाँ से निकल जाते हैं। 12 बज गया है, एक घंटा एक्सटेंड कर लिया था क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, तो अब यहाँ से सीधा निकलते हैं और घर चलते हैं। और वैसे तो और कोई प्रोग्राम नहीं है, बीच में सिर्फ लंच के लिए रुकेंगे, तो शायद अब सीधा घर चल के ही मिलते हैं। ये क्या है? आपने तो लगाया है। ऑन द वे चलते चलते कुछ मिला, खाने का सामान, पीने का सामान और बंगाली लोग जिस चीज़ के लिए फेमस है उसका सामान, फिश। चलो देखते हैं। आ प्रॉन्स झाल कम दी दोर वो झाल एक तो कम दियो यार, झाल कम दी दोर कत कोड़े बोलछे 400 টাকা কেন জ্যাম তো চিংড়ি আছে আমি এই মাত্র ফোনটা কাটা দেব মারবো এই খাইতে তো प्रॉन्स मिला वो भी जिंदा वाला, अच्छा है तो ले लेते हैं। घर पे जाकर के सोचेंगे क्या बनाना है, अच्छा अच्छा डिश बन जाएगा इससे हम रास्ते के बीच में। और यहाँ पर वो भी मिल रहा है अमरूद मसाला, अमरूद अमरूद खाया जाए। একটা ইয়ে শশাও দিয়ে দাও তো, ওটার মধ্যেই দিয়ে দাও শশাটাও। কি শশা? अमरुद के साथ साथ खीरा और वो स्टार वाला फल, उसको पता नहीं क्या बोलते, खट्टा होता है, चिंगड़ी लिया है घर में जाके बनाएंगे। मस्त मस्त जनता चिंगड़ी रहती हाँ, और क्या बोलते हैं इसको, स्टार फल को पता नहीं, खट्टा होता है बहुत, बचपन में बहुत खाते थे, अचानक से मिला तो ले लिया। तो नींद आ रहा था गाड़ी में बैठे बैठे और अभी भी लंच में देर है तो यही सही, इसी से देखो हम लोग ऐसे ही रुके ना, हम लोग को देख देख करके कितने सारे लोग रुक रहे हैं। वो तो गिर में नहीं है तो नारियल पानी भी मिल रहा है।